मेरा एक दोस्त है, वेरी जॉली इन नेचर, बहुत ही हैप्पी रहने वाला। कुछ लोग होते हैं ना जो अंदर से ही हैप्पी होते हैं और जहाँ जाते हैं बस हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस फैला देते हैं। वो जहाँ भी जाता है सिर्फ अपने जोक्स और अच्छी बातों से लोगों को एंटरटेन करता है और सबको खुश कर देता है। पर दोस्तों, कुछ साल पहले उसके साथ एक हादसा हो गया। उसका एक क्लोज्ड वन जो उसके दिल के बहुत ही करीब था, ही पास्ड अवे। और उस इंसिडेंट के होते ही वो सैडनेस में आ गया, एक डिप्रेशन वाली स्टेट में आ गया। वो इंसिडेंट तो गुज़र गया और टाइम भी निकल गया। कुछ समय बाद, कुछ साल जब बीत गए, तो वो धीरे 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 उस स्टेट में, डिप्रेशन की स्टेट में वो डूबने लगा और बहुत ही हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन में चला गया। वो ना किसी से कुछ कहता था और ना कुछ बताता था। वो सब कुछ अपने अंदर ही समेटे रहा कि क्या कारण है जिससे कि वो हैप्पीनेस वाली स्टेट से आज डिप्रेशन में पहुंच गया है। एक दिन जब वो मेरे साथ बैठा तो मैंने उससे और कोशिश की कि वो और अपना बाहर निकाले कि उसके अंदर क्या रुका हुआ है। और जब उसने वो चीज़ बताई, जब वो उस स्टेट में गया, जब हम बात करते रहे, तब उसने वो जाकर निकाला कि कुछ साल पहले जो उसके साथ हुआ था, वो जो सैड इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, उसके कारण वो आज तक उन यादों को पकड़े हुए है, वो उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहा है और वही कारण है जो उसकी डिप्रेस स्टेट का कारण बन गया है। माय डियर फ्रेंड्स, और सिर्फ स्टेट ही नहीं, उसके साथ उसकी बॉडी भी रिएक्ट करने लगी थी, क्योंकि उसकी बॉडी में अब एंजाइटी डेवलप हो गई थी। एंजाइटी से मेरा मतलब है चेस्ट में पेन होना। आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग चेस्ट में पेन होता है, कई बार कोई इंसिडेंट याद करने से किसी की सांसें फूलने लगती हैं, किसी का बैक पेन हो जाता है, किसी के शोल्डर में पेन हो जाता है। तो ऐसे ही उसके भी चेस्ट में भारीपन आ रहा था, जैसे कोई पत्थर सा रखा हुआ हो। उसकी सांसें भी फूलने लगती थी, जैसे कि कुछ उन सांसों को ब्लॉक कर रहा हो। जैसे ही वो उस इंसिडेंट को याद करता, उसके अंदर ये एंजाइटी फीलिंग्स अपने आप ही डेवलप हो जाती थी। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने ये सब सुना तो मैंने कुछ उस पर एनएलपी की टेक्निक्स लगाई। सबसे पहले मैंने उसकी वो पास्ट पेनफुल जो मेमोरी थी उस पर जाकर काम किया, जो उसके सबकॉन्शियस में वो इम्प्रिंट्स पड़े हुए थे, वो कुछ जो सीन्स उसे आज भी याद थे, सबसे पहले मैंने जाकर उन्हें रिमूव किया, उन्हें हटाया और उनकी जगह उनके कुछ अच्छे हैप्पी सीन्स डाल दिए। मैंने उसे ये भी बताया कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि उस पर्सन की यादें आपके माइंड से कम्प्लीटली इरेज हो जाएं, बस जो इरेज होगा वो होगा वो दुखद लास्ट के कुछ सीन्स जिनके कारण आपकी बॉडी आज इम्पैक्टेड है, जिनके कारण आप इतना सफ़र कर रहे हैं। बस वो जो दो चार सीन हैं वो आपकी मेमोरी से हट जाएंगे और बाकी यू कैन एन्जॉय दैट रिलेशनशिप। उन्हें याद रखिए, उनकी अच्छी चीज़ों को याद रखिए, यू कैन डू दैट। सो ही एग्रीड टू दैट और उन पर हमने वो टेक्निक जब लगाई तो वो पास्ट पेनफुल मेमोरी जाकर इरेज की और वहाँ पर एक हैप्पी इंसिडेंट डाला हमने। और ये बहुत ही आई थिंक कुछ मिनट्स ही लिए होंगे इस टेक्निक ने, और ही वॉज एबल टू इरेज दैट ओल्ड पेनफुल मेमोरी कम्प्लीटली फ्रॉम हिज माइंड। और दोस्तों, इसके लिए कोई मेडिसिन, कोई औजार कुछ नहीं चाहिए होता। ये जस्ट हम जैसे बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम बातें करते करते आपके माइंड में चले जाएंगे और उन टेक्निक्स को उन इम्प्रिंट्स को इरेज कर देंगे। और उसके बाद मैंने लगाई कुछ एंजाइटी हटाने की टेक्निक, जिससे उसकी वो एंजाइटी जो उसके चेस्ट पे भारीपन आ रहा था, जो उसके यहाँ पर ब्लॉकेज हो रही थी सांस लेने में, वो भी दूर हो गया। और उसके बाद चमत्कार ही हो गया दोस्तों, कुछ दिन में ही
वो बंदा, वो मेरा दोस्त खड़ा हो गया और ही वॉज अगेन बैक टू दैट जॉली नेचर जिसे वो पीछे छोड़ आया था. ही स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट स्टेट अगेन और उसने फिर उस एक हैप्पी स्टेट को पा लिया. तो दोस्तों, अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं एन्जाइटी से, डिप्रेशन से, या किसी पास्ट पेनफुल मेमोरी से जो आपको ग्रीफ के कारण मिली हो, या किसी के कटु शब्दों के कारण आप कुछ सहन कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो उसे आप इजीली दूर कर सकते हैं एनएलपी की सिंपल टेक्निक्स लगाकर. तो दोस्तों, आप भी सीखिए इन एनएलपी टेक्निक्स को. अगर आपको मेरी मदद चाहिए कुछ एन्जाइटी रिमूव करने में, कुछ अपनी पास्ट पेनफुल मेमोरीज़ हटाने में, तो नीचे गए कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट छोड़िए एंड माय टीम और माय सेल्फ विल कॉन्टैक्ट यू एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.